दोस्तों साथियों बहनों भाइयों नमस्ते, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके। भाई देखो, बहुत दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और आज मैं आपसे मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस क्षण को मैं बहुत ही प्यार से जी रहा हूँ। जी हाँ, ये क्षण कितना इम्पोर्टेंट है। जब खुशी हो तो उस क्षण को बहुत ही प्यार से जी लेना चाहिए। वैसे जीवन क्या है, एक क्षण ही तो है। हम लोग क्या है कि आज यानी कि वर्तमान में जीने के बजाय हम लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में जीते हैं, यानी कि पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट की चीजों को याद करते रहते हैं कि अरे ऐसा हो गया, और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें उससे ये बात करनी है, हमें उससे इतने पैसे लेने, हमें उससे बदला देना है। अरे साहब, हम आज में तो जी नहीं रहे हैं, कल की सोच रहे हैं, कल क्या होगा, कैसा समय होगा, हम किस हाल में होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे, हम ये तो सोचते नहीं है, बस भूतकाल या फिर भविष्य काल के बारे में सोचते हैं। और हमारा जो आज है, जो आज ही हमारा जीवन है, उसके बारे में हम नहीं सोचते, ना उसका हम आनंद लेते हैं। अब किसी इंसान ने ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि ये बताइए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है, तो उस ज्ञानी ने कहा कि अभी इसी वक्त जो तुम जी रहे हो, अब इसी वक्त जो है, जो ये पल चल रहा है, यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। फिर उस इंसान ने उस ज्ञानी से पूछा कि भाई सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है इस पूरे जीवन में या इस पूरी दुनिया में, तो उस ज्ञानी ने कहा कि जहां पर तुम हो इस वक्त, जहां तुम बैठे हो, जो भी तुम कर रहे हो, यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। फिर उस व्यक्ति ने उस ज्ञानी से पूछा कि भाई ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कौन है, माँ बाप, भाई बहन या फिर कोई और। तो उस ज्ञानी ने कहा कि जिस क्षण में, यानी कि इस क्षण में जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति से तुम मुखातिब हो, जो तुम्हारे सामने है, जो तुमसे बातचीत कर रहा है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जैसे कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और आप मुझे देख रहे हैं, मुझे ध्यान से सुन भी रहे हैं, तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। तो बहनों भाइयों, आज का ये जो क्षण है, यही हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसके आगे पीछे तो हमारी कोई सत्ता ही नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते अपनी पास्ट और फ्यूचर लाइफ के बारे में। एक इंसान अपने खच्चर को लेकर जा रहा था, गधे को लेकर जा रहा था, सामने से महात्मा जी आ रहे थे। तो वही महात्मा जी ने पूछा कि और क्या हाल चाल है, आजकल कैसी चल रही है। तो उसने कहा बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत ज्यादा धन कमा रहा हूँ, मैंने एक और मकान खड़ा कर लिया है, कुछ और जानवर भी पाल रहे हैं, बिजनेस भी फर्स्ट क्लास चल रहा है, मैं हर चीज का मालिक हूँ। तो महात्मा जी हंसे, इसने कहा कि भाई हंसे क्यों। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई मालिक नाम की जो बात है ना, इसको मत करो, तुम इस वक्त खुश हो ये सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारे हाथ में उस खच्चर की रस्सी है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मालिक की बात मत करो। उसने कहा भाई क्यों ना करूं, भाई ये खच्चर का मालिक मैं हूँ। तो उस महात्मा ने क्या किया कि खच्चर को एक डंडी मार दी, वो खच्चर जो था तोड़ता हुआ चला गया, हाथ से रस्सी छूट गई उस मालिक की और वो दौड़ता जा रहा है मालिक उसके पीछे पीछे। अब महात्मा ने कहा एक बात बताओ कि कहां तुम इसके मालिक हो, वो जा रहा है देखो खच्चर दौड़ता हुआ, वो तो तुम्हारा बात को मान नहीं रहा, फिर तुम किस बात के मालिक हो। उस खच्चर को भागता देखकर एक अजनबी आदमी जो कि उसी सड़क से जा रहा था, उसने उसकी रस्सी पकड़ ली और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये जो मालिक है ये ढूंढता हुआ वहां पर आया और कहने लगा कि भाई मेरा खच्चर है, इसे कहां लेके जा रहे हो। तो उस आदमी ने कहा कि कहां नाम लिखा है इस खच्चर के ऊपर तुम्हारा, या इसने कौन सा कहा है कि तुम इसके मालिक हो। क्या है ना दोस्त, एक्चुअली मेरे एक अंकल हुआ करते थे, मतलब बहुत अंकल के भी अंकल थे, बहुत ज्यादा ओल्ड थे, 75 इयर्स के। क्या था कि जीवन में उन्होंने कभी किसी रिश्तेदार से बला के नहीं रखी, कभी किसी रिश्तेदार को अपने घर आने नहीं दिया, कभी किसी रिश्तेदार के घर स्वयं नहीं गए, उनकी इकलौती लड़की और बीवी उनको भी बाहर निकलने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से छुप छुपा कर कभी कभार रिश्तेदारों के यहाँ फंक्शन पे चली जाया करती थी, लेकिन जब रिश्तेदार इनके घर पे आते थे तो ये अंकल जो थे गालियां दिया करते थे, किसी को अपने कंपाउंड में घुसने नहीं देते थे। ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा 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 मेरा, वो सोचते थे कि अगर मैं इन रिश्तेदारों को घर में घुसने दूंगा तो ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे,
सबको छीन लेंगे, मीठी मीठी बात करके साइन करा लेंगे। पता नहीं क्या था उनके दिमाग में। उसके बाद वो चल बसे। चल बसे तो उनकी लड़की को भी उन्होंने शादी करनी नहीं दी थी जीते जी। जब वो चल बसे तो उस लड़की ने शादी की और अपने पति के साथ पूरी प्रॉपर्टी बेच के चली गई। अब वो प्रॉपर्टी एक साउथ इंडियन परिवार ने खरीद ली और वो उसमें रह रहे हैं। कहां तो वो अंकल कहते थे सब कुछ मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ मेरा, पर आज ना वो रहे ना उनकी प्रॉपर्टी रही। तो बहनों भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आज का ये जो क्षण है इसमें जी लीजिए, इसमें खुश हो लीजिए। और वैसे भी ये हमारी बची कुची लाइफ का पहला दिन है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। मैं समझता हूँ मेरे भाइयों, हम दूसरों से नफरत, द्वेष, गुस्सा ये सब छोड़कर सिर्फ प्यार करेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, आज को जिएंगे और उड़ते नहीं रहेंगे कि इसके साथ ऐसा करना है या इसने मेरे साथ ऐसा किया। जो किया सो किया, मगर आज के क्षण को तो ठीक से जिए। यही मेरा आज का जो है आपके लिए संदेश है। अगले एपिसोड में कुछ और मोटिवेशन बातें इसी प्रोग्राम में, जिसे आप जाना करते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के नाम से, यस टीवी पर। अभी के लिए नमस्ते।